नालंदा जिले के हिलसा उपकारा के कैदियों के बैरक के अंदर ताश खेलते व गांजा बनाते वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में चिलम के साथ आधा दर्जन मोबाइल भी दिख रहे हैं। कैदियों ने आरोप लगाया कि जेलर रुपए लेकर बैरक में हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, खाने व पीने के पानी के लिए भी रुपए लिए जाते हैं। वीडियो के वायरल होते ही हिलसा एसडीओ सुधीर कुमार के नेतृत्व में जेल के अंदर छापेमारी की गई। 2 घंटे की छापेमारी में पुलिस को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। एसडीओ का कहना है कि वीडियो पुराना है। जेल के अंदर का 3 वीडियो वायरल हुआ है। पहले वीडियो में आधा दर्जन मोबाइल, गांजा व चिलम दिख रहे हैं। वीडियो बनाने वाला बता रहा है कि किस मोबाइल के लिए जेलर कितने रुपए लेते हैं, गांजा व चिलम के लिए कितने रुपए लिए जाते हैं। वह हाथ में रखा गांजा भी दिखा रहा है। दूसरे वीडियो में बैरक के अंदर ताश खेल रहे व अपने बिस्तर पर सो रहे बंदियों को दिखाया जा रहा है। जेल का देखिए, देखिए छुटका हुआ, ए हुआ 3000 का, अरे ए हुआ 3500, और समसम पे चलिए ए हुआ 10000। काहे की गाना बजता है, मेमोरी भी लगता है, लेता है पैसा सब कौन लेता है? ये जेलर लेते हैं। क्या नाम है? सन कुछ बोलते हैं, कृष्णारी रजक बोलते हैं। आता कैसे? अरे आता है गेट से यार, और कौन देगा? जेलर देता है यार, बिना जेलर के देखिए तो हाथ में गांजा है। अरे गांजा बना रहे हैं, गेट दिया पार होता है। अरे गेट दिखाई ऐसा ऐसा दीजिए ना, 10000 अभी और पार करवा देते हैं। शराबो हो सकता है? अरे शराब तो डेली पीते हैं, ऐसा ऐसा क्यों बात कह रहे हैं? कितने में मिलता है शराब? अरे वो तो 10000 पड़ जाता है आरएस का बोतल। पौधा का पानी है, जानवर पीता है, जो पानी है वो पीते हैं सर। अरे नीचे दिखाओ ना, नीचे ये हुआ पौधा का पानी, देखिए ना हौदा, यही जेलर हमेशा हमको पिला रहे हैं, इस पे भी पैसा लगता है। वीडियो वायरल होने के बाद एसडीओ के नेतृत्व में शनिवार की शाम जेल में छापेमारी की गई। 2 घंटे की सघन तलाशी में पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। छापेमारी के बाद एसडीओ ने कहा कि वीडियो के संज्ञान में आते ही छापेमारी की गई, कुछ भी आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। पूछताछ में पता चला कि अपराधी प्रवृत्ति वाले कुछ बंदियों का हाल में ही दूसरे जेल में भेजा गया है। इसके विरोध में जेल प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए वीडियो वायरल किया गया है। सुनियोजित तरीके से किसी बंदी ने इसे बनाया है। वीडियो करीब महीने भर पुराना है। वीडियो में भी एक वर्ड आ रहा था कि भागलपुर भेजा जाता है, कुछ ऐसा वर्ड यूज किया गया था। और ये जो कैदी ट्रांसफर हुए हैं 7 अक्टूबर के आसपास, उससे पहले का ही होगा। और एक और चीज़ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह वीडियो जानबूझ के बनाया गया था, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ जेल प्रशासन को धमकी भी दिया था। पूर्व में यह सब शिकायतें प्राप्त हुई थी कि धमकी दिया जा रहा है, इसी आधार पर उनको यहाँ से हटाया भी गया है। तो शायद कहीं ना कहीं जेल प्रशासन को दबाव में लेने के दृष्टिकोण से वो वीडियो तैयार करके रखा गया था, जो बाद में वायरल किया गया है।